हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन ए नवा स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा आर जी एन ए यू के बारे में कि इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए, क्या स्टेप है, क्या किस तरीके से प्रोसेस है अप्लाई कर सकते हैं, जिस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है आर जी एन ए यू के रिलेटेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी ब्राउज़र से गूगल डॉट कॉम ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना होता है आर जी एन ए यू 2021 आई ए एस पर। आई ए एस पर एक एक्सक्लूसिव साइट है जहाँ पर आपको आर जी एन ए यू के रिलेटेड करके सारे अपडेट छोटे छोटे बड़े से बड़े इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करनी होती है, सर्च करते ही एग्जैक्टली फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करनी है। तो ये खुद देख सकते हैं यहाँ पर आई ए एस पर डॉट नेट लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके जिस पर न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कार्ड में बताई गई है। तो सबसे पहले तो आपको करने क्या है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, सिलेबिलिटी का नीचे अप्लाई करने के लिए पैटर्न, सिलेबस के बारे में और बताई गई। आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या बताएगा। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिए जहाँ में आपका फॉर्म है। आपका ई मेल आई डी क्या, अपना ई मेल आई डी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लेना होता है। स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट का, सिटी क्या, आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके कितनी, आपको सेलेक्ट करना है। और गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है, तो उससे क्या होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ई मेल आई डी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेगा। आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। तो इसका फुल फॉर्म जो है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये देख सकते हैं। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1887 में यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये खुद ही देख सकते हैं इस साल में। और ये एडमिशन जो है आपको वेरियस कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, PG कोर्सेस में भी, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन एफिलेट विद द यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन के थ्रू, जो UGC बोलते हैं उसे। और ये डिटेल्स आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानना है, जो यहाँ पर इसमें अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, डेट्स और कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, SRMU, SSIU, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं। और जो है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो यहाँ पर आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे क्या होता है कि देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब आप उनके साथ पढ़ते, लिखते, बातें करते, खेलते रहते, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है आपका कल्चरल एक्सचेंज होने लगता है, आपका माइंडसेट, आपका टेक्निकल, आपका जो है लैंग्वेज नॉलेज सब कुछ यहाँ पर एक्सचेंज होने लगता है। तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन जरूर लीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता, जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन जरूर ले लेता और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है RJNAU और फुल फॉर्म इसका राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। UGPG कोर्सेस आपको यहाँ पर ऑफर करता है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर जो ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और हेल्पलाइन नंबर के लिए टेलीफोन नंबर दे दी गई है, ईमेल आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर, एड्रेस भी यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दी गई। इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है कैसे, तो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका लास्ट डेट ऑफ जून में जो है रिलीज़ होगा, और ये लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताई गई, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसा और किस तरीके से क्या करनी पड़ेगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे RJNAU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ओपन हो जाइए, और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिलअप करना है, वहाँ से स्टार्ट करना, फिल करना है। ओके, आपका सारे डिटेल्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल्स, ओके, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, सारे जो है फोटोग्राफ्स आपके और सिग्नेचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करने पड़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर देख सकते कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा भी बोला गया, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पर बताई गई है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ओके, एडमिशन क्या होनी चाहिए ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल फ्लो एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी। ओके, तो पहले यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो क्या बताया गया यहाँ पर कि बिफोर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहले आप जब एप्लीकेशन फॉर्म से पहले अपना जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं ना, उससे पहले
क्या है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेस और स्टूडेंट मस्ट हैव टू ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपका फिर। एंड कैंडिडेट्स वांट टू गेट एडमिशन, जो भी चाहते हैं एडमिशन लेना है इस बैचलर्स ऑफ डिग्री में, 12 पास जो रहेंगे ना यहाँ पर वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया ऑनलाइन मोड से और ऑफलाइन मोड से यहाँ पर एक्सेस है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एक्सेस। ओके, और जिसे भी ज़रूरत है रजिस्टर करने के लिए अप्लीकेशन फॉर्म ऑर्डर टू टेक एडमिशन के लिए, और कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो द बिलो स्टेप को फॉलो कीजिए। यहाँ पर पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन होना हो जाना होगा, फिर वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी होती है, फिर आपको सब कुछ वहाँ पर पढ़ के फिर क्लिक हियर अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको पर्सनल कम्युनिकेशन एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होती है, आपके फोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर्स, लेफ्ट हैंड थंबप्रिंट, इंप्रेशंस, फिर उसके बाद सबमिट करना पड़ता है, फिर क्लिक हियर कर पे आपको वहाँ पर फिल डिटेल्स, क्लिक हियर टू ऑन लिंक पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद आप पेमेंट पे क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट कर लीजिए, क्लियर जो भी होगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको सबमिट करना होता है, लॉगिन करने के बाद फिर पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए और प्रोसेस पे क्लिक कीजिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर प्रिंट आउट अपना एप्लीकेशन फॉर्म का निकाल लीजिए। इस तरीके से ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को अप्लाई कीजिए और इजीली जो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल लिंक दे रखा है आज एनयू के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप इस पर आइए और चेक कीजिए, अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।